अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फूड ट्री। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दाल चावल। मैंने जो है तमाम इंग्रेडिएंट्स इधर ऐड कर दिए हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने ऑयल लिया है और उसमें मैं प्याज फ्राई करूँगी। अब जो मैं ऐड करूंगी वो है अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। इसमें अब मैं 2 टीस्पून में ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर। टीस्पून में सॉल्ट ऐड करूंगी अब इसमें। 1 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर यानी कि हल्दी की 1 चम्मच ऐड कर दूंगी। जीरा 1 टेबल स्पून, कोरिएंडर सीड 1 टीस्पून। अब हम तमाम चीज़ों को अच्छे से फ्राई करेंगे। इस तरह का हमने इसे फ्राई करना है अच्छे से, लाइक दिस। यहाँ मैंने दाल को भिगो के रखा हुआ है। अब हमने दाल जो है ऐड कर देनी है, उसको 1 मिनट के लिए हमने अच्छे से फ्राई करना है और इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी इतना ऐड करना है कि जो दाल है वो अच्छे से गल जाए। इधर जो है हमारी दाल जो है वो तैयार हो रही है, तो दूसरी साइड पे हम जो है चावल बॉईल कर लेंगे। हमने राइस लेना है, मैंने 3 कप राइस लिया। 1 चम्मच ऑयल और सॉल्ट का ऐड करूँगी। जब पानी बॉईल होने लगे तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। चावल हमारे बॉईल हो चुके हैं। इस तरह स्ट्रेनर की मदद से हम पानी छान लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठंडे पानी का इस्तेमाल करूँगी, इससे चावल बेहतर रहते हैं खिले खिले। दूसरी तरफ हमारी जो दाल है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें फ्रेश धनिया ऐड करेंगे और इसके साथ हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। और ये अब डिश आउट होने के लिए बिल्कुल रेडी है।